महोदय, आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले भड़बड़े जी को प्रणाम करता हूँ। आप सबने भड़बड़े जी की लाइफ के दूसरे एंगल सब बताए। हमारे साथ एक और एंगल था। 15 साल से ज़्यादा हम भड़बड़े जी के साथ जुड़े हुए हैं और वो हमेशा हमें उत्साहित करते रहते थे। उनको डायबिटीज़ पेशेंट की सर्विस के लिए कुछ अलग ही उनके मन में धुन थी। हमारा विजिट का जो दिन आए उसके पहले ही वो हमें बोलते रहते थे, हमेशा उत्साहित करते थे और हमेशा ध्यान रखते थे कि सब पेशेंट का, खुद पेशेंट को पकड़ के, अरे आपका ये चेक नहीं हुआ, आपने बाजू में जाके पेशेंट को लेकर आते थे, इनका ये चेक नहीं हुआ, का ये चेक नहीं हुआ। तो ये एक एंगल था। और दूसरा, मैं खुद ने भड़बड़े जी की लाइफ में देखा कि स्पिरिट ऑफ लाइफ, कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते थे, हमेशा उनको मन था, हमेशा कभी भी हम आके उनके साथ बैठते थे, आप बैठो मैं आपको गाना सुनाता हूँ। आज भी आप YouTube में पुरुषोत्तम भड़बड़े जी लिखो, आपको गाने सुनने को मिलेंगे। इतना उनको पॉजिटिव ये मन था लाइफ के प्रति, ऐसा आदमी हमेशा नहीं मिलता। जनरली हम देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती तो आदमी थोड़ा सिकुड़ जाता, आइसोलेटेड हो जाता, कम बोलता, ये तो इनका जो डल हो जाता। इनका तो डेथ के एक दिन पहले हमारा कैंप था, कैंप करके मैं घर गया, तुरंत उनका फोन आया, अरे आप मुझे मिले बगैर चले गए। मैं मिलिंद जी को बोला था, मैं बोला मिलिंद जी तो मुझे बोले नहीं। और सच्ची में मुझे रोना आ गया कि मैं, वो मुझे मिले बगैर चले गए। नमस्कार।